अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं पूरी हलवा। पूरी हलवे में हम बनाएंगे पूरी हलवा और चने। सबसे पहले हम पूरियों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। आटे में हम जो चीज़ें ले रहे हैं, मैदा 2 कप, आटा 1/2 कप, जो आम घर का आटा होता है 1/2 कप, नमक 1/2 टीस्पून, और आटा गूंदने के लिए पानी। सबसे पहले हम मैदा डालेंगे, फिर आटा डालेंगे और नमक डालेंगे, इससे मिक्स करेंगे, फिर से सादे पानी से गूंद के तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, इसको ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना ना ज़्यादा नरम गूंदना है, सिर्फ हमने दरमियाना गूंदना है क्योंकि पूरियाँ हमारी अच्छे से बने। इसको इस तरह अच्छे से गूंद लेना है हमने। साथ साथ हाथ में हल्का सा पानी लगाते रहेंगे हम। जितना अच्छा आटा हम गूंदेंगे उतनी अच्छी हमारी पूड़ियां तैयार होंगी। जितना हम इसे रेस्ट देंगे उतना अच्छी हमारी पूरियाँ तैयार होंगी। मैं साथ साथ पानी लगा रही हूँ हाथ पे और इसे गूंद रही हूँ। ज़्यादा पतला भी नहीं गूंदना इससे। ये देखें इस तरह इस तरह इस तरह करके हथेली की मदद से इस तरह इस तरह। जब पता चले ये एक जान हो गया तो फिर से छोड़ के रेस्ट दे देंगे। फिर से थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ। कोई गुठली ना रह जाए अंदर। जब हमारा आटा तैयार हो जाए तो हाथ में ऑयल डालें और उसके ऊपर ऐसे से लगा दें ताकि हमारे आटे पे सिकड़ी ना आए। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद हम पूड़ियाँ तैयार करेंगे और अब तक हम अपने चने और हलवा तैयार करते हैं। हलवा तैयार करने के लिए हम ले रहे हैं सूजी 1 कप, चीनी 3 कप, घी 1/2 कप, 2 टेबल स्पून मेवा और 2 टेबल स्पून गिरी और पानी 3 कप शीरा बनाने के लिए। सबसे पहले हम शीरा बनाएंगे। 3 कप चीनी ले रहे हैं हम, 3 ही कप हम पानी ले रहे हैं 1 कप, दो कप और ये 3 कप, और इसका हम शीरा बना लेंगे। शीरा इस तरह से तैयार करना, जैसे ही उबाल आएगा हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने, और चम्मच हिलाते रहने कि चीनी नीचे ना बैठ जाए। और एक साइड पे हम अपनी सूजी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम घी लेंगे, उसके बाद सूजी लेंगे और सूजी को थोड़ा सा कलर दे देंगे।
तो अगर कलर नहीं देना इसको, लाइट से कलर देंगे बस। जैसे खुशबू आएगी सूजी की तो हम इसमें शीरा डाल देंगे। ये देखें चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब जैसे इसे उबाल आएगा हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जो हमारी सूजी है उसमें शीरा डाल देंगे। ठीक है, सूजी हमारी घी के साथ फ्राई हो रही है। हम इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। कुछ लोग होते हैं उन्हें डार्क कलर पसंद नहीं होता, उन्हें लाइट पसंद होता है। हम इन्हें लाइट कलर देंगे, डार्क नहीं देंगे। हम 3 इलायची के दाने डाल देंगे खुशबू के लिए, ताकि हमारे हलवे में खुशबू अच्छी आए। ये देखें सूजी की खुशबू आना शुरू हो गई है और यहाँ हमारा शीरे को उबाल आ रहा है। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें शीरा डालेंगे। शीरे को भी उबाल आ चुका है। शीरे को उबाल आ चुके हैं, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ऐसे ही गर्मा गर्म शीरा हम सूजी में डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और हमारा जो मेवा है वो भी डाल देंगे बीच में, और जो हमारी ग्री है वो भी डाल देंगे। जैसे ही आपको लगे हमारा पानी सूखना शुरू हो गया तो आप इसे फ्लेम को बंद कर दें और ढक्कन दे दें, और अब तक आप पूड़ियाँ तैयार करें। ये देखिए ये तैयार है और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, फ्लेम को बंद करके। अगर आप इतना रखना चाहते हैं इतना रखें, और अगर आप इसे पतला रखना चाहते हैं पतला भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और अब हम इसे फ्लेम को बंद करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। ठीक है, चने का सालन तैयार करने के लिए 200 ग्राम हमने चने ले लिए। इन्हें हमने ओवरनाइट भिगो के रखा सोडा लगा के, और सुबह हमने धो लिया और उसके बाद हमने इसे बॉयल कर लिया। ये बॉयल हो चुके हैं। उसके बाद हम लेंगे घी 1/2 कप, दही लेंगे 2 टेबल स्पून, प्याज लेंगे 1/2 कटावा, कसूरी मेथी लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, नमक लेंगे हसबे जायका, ज़ीरा लेंगे क्रश किया हुआ 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया साबुत धनिया इसे क्रश किया हुआ भून के इसे लेंगे 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसे तैयार करेंगे। अब हम घी लेंगे, स्वदेश घी में डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 कटी प्याज डालेंगे। प्याज को कलर दे देंगे लाइट सा। प्याज को लाइट सा कलर आ गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मसाले डालना शुरू करेंगे, नमक डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे। क्रश किया हुआ जीरा डालेंगे। साबुत धनिया डालेंगे क्रश किया हुआ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो हमने चनों को बॉईल करके रखा हुआ वो वाला पानी डालेंगे थोड़ा सा। हमारा मसाला तैयार हो जाए और प्याज और लहसुन सारे गल जाए। साथ ही इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। तो अब तक इसे पकने देना जब तक मसाला गाढ़ा ना हो जाए और ये प्याज है ये सारे मेल्ट ना हो जाए। मसाला तैयार हो चुका है। 5 मिनट मैंने इसे ढक्कन देके पकाया है। अब ये देखें इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो चुका है प्याज और अदरक लहसुन का। अब हम इसमें जो हमारे बॉयल्ड चने हैं वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी के स्मेर डालेंगे। चलिए और इसे मिक्स कर लेंगे, और इसमें 1/2 ग्लास पानी का डाल के इसे हम पकाएंगे। और जब तक ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे पानी खुश्क होने में। उसके बाद हम इसे गरम मसाले और ऊपर दही डाल के डिश आउट कर लेंगे। ये देखें 1/2 प्याली में पानी की डाल रही हूँ, और फ्लेम मैंने दरमियानी रखी हुई है। इस दरमियानी फ्लेम में ये 15 से 20 मिनट तक पकेगा,
उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे और ऊपर से गर्म मसाला डाल के, ऊपर से गर्म मसाला पाउडर डाल के और इसे डिश आउट कर लेंगे। उसके बाद हम पूरियाँ तैयार करेंगे, ठीक है। ये देखिए आटा हमारा कितना अच्छा हो चुका है, कितनी लचक है इसमें, और इसे थोड़ा सा मसल के, जैसे मैंने आपको कहा था 1-2 घंटे रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमने 1-2 घंटे रखा है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम हाथ पे ऑयल लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरह से रोल बनाएंगे इसके, इस तरह से रोल बना के या तो हाथ की मदद से आप काट लें या छुरी की मदद से। अगर आप हाथ की मदद से नहीं काट सकते तो छुरी की मदद से काट लें। इस तरह एक पेड़ा तैयार हो गया। हमने दूसरा तैयार कर लिया, ये इस तरह से हमने लोइयां तैयार कर ली। अब हम क्या करेंगे, इनके पेड़े बनाएंगे। कैसे, इसको हाथ से ऐसे दबाना है, ऐसे दबा के इस तरह फोल्ड करके, इस तरह जैसे हम लड्डू बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, रसगुल्ले, उसी तरह शेप में देना है। इस तरह से पेड़े बनाते जाएंगे हम और रखते जाएंगे, और इन पे हम ऑयल या घी लगा लेंगे ताकि हमारे पेड़े बिल्कुल तैयार हो जाएं पूड़ियाँ तलने के लिए। इस तरह सारी साइडों में भी, नीचे से भी, ऊपर से भी ऑयल लगा के रखते जाएंगे। अब दूसरा तैयार कर लेंगे। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हम देखेंगे ढक्कन उठा के कि हमारे चने का पानी कुछ खो गया। ये देखें इस तरह से हो गए, कितने सॉफ्ट। अब हम इसमें दही डाल देंगे, इसे हम दम पर सिर्फ 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे। उतनी देर में हम अपनी पूड़ियाँ तैयार करते हैं। अब हम अपनी पूड़ियों को बेल लेंगे इस तरह। हमारी पूरी बेल चुकी है, अब हम इसे कढ़ाई में डाल के फ्राई करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखें अभी हम इन्हें देख लेंगे, हमारे चने तैयार हैं। ये देखें हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये लीजिए तैयार है हमारा लाहौरी नाश्ता, हलवा, पूरी और चने। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। जिस तरह से मैंने चने बनाए, आप उस तरह से बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप हमारी वीडियो को देखें और इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।